हेलो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स 22 फरवरी 2021। तो दोस्तों, आज मैं जार पान वर्मा जार और हमारे चैनल जारा ओलिपकॉन पर इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रश्न नंबर एक के लिए हम चलेंगे प्रश्न नंबर एक आपकी स्क्रीन पर। जानी 15 फरवरी को भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को कमीशन मिला, जो है ऑप्शन ए INS करंज, ऑप्शन बी INS विक्रांत, ऑप्शन सी INS हिमाद्री, ऑप्शन डी INS त्रिशूल। यानी ऑप्शन ए INS करंज आपका सही जवाब है, करेक्ट उत्तर है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर दो की ओर करेंगे। प्रश्न नंबर दो आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए माँ योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट उत्तर है, सही जवाब है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर तीन कंप्यूटर जी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में एंगोजी ओंकोजी ईवीएला, ये का नाम है बे, एंगोजी ओंकोजी ईवीएला WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नई प्रमुख नियुक्त की गई है, ये किस देश की? ऑप्शन ए सूडान, बी केन्या, सी नाइजीरिया, डी जिम्बाब्वे। ऑप्शन सी नाइजीरिया इसका सही जवाब है, सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर चार आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में चर्चा में रहा अर्जुन MK1A क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा अर्जुन MK1A क्या है? ऑप्शन ए लड़ाकू विमान, बी मालवाहक जहाज, सी पनडुब्बी, डी युद्धक टैंक। ऑप्शन डी युद्धक टैंक इसका सही जवाब है, सही जवाब। आप जीत चुके हैं 2000 रुपये। प्रश्न नंबर पाँच जो देता है ले लीजिए। प्रश्न नंबर पाँच, ग्रैंड एनिकट नहर प्रणाली जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? ग्रैंड एनिकट नहर प्रणाली, ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर पाँच ऑप्शन ए तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है, ग्रैंड एनिकट नहर प्रणाली तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न नंबर छः आपकी स्क्रीन पर, ओल्पस मॉस जो हाल ही में खबरों में था सौर मंडल का सबसे बड़ा है, क्या है ओल्पस मॉस? ऑप्शन ए तारा, बी ज्वालामुखी, सी ग्रह, डी क्षुद्र ग्रह। तो भैया ओल्पस मॉस जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ज्वालामुखी तो हो नहीं सकता, कोई ग्रह शायद हो सके, लेकिन ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह इसका करेक्ट आंसर है। ओल्पस मॉस एक क्षुद्र ग्रह है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है ओल्पस मॉस। प्रश्न नंबर सात आपकी स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न नंबर सात है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में BPCI के 6000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स को समर्पित किया है? प्रश्न दोबारा बोल देता हूँ, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में BPCI के 6000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को समर्पित किया है? ऑप्शन ए असम, बी त्रिपुरा, सी केरल, डी छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी केरल इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर आठ की ओर रुक करेंगे। प्रश्न नंबर आठ बहुत ही बढ़िया प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ के साथ मिलकर स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान शुरू किया? काफ़ी टफ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने भारत के महिला उद्यमियों के साथ परिसंघ के साथ मिलकर स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए नाबार्ड, बी SBI, सी FICCI, डी SIDBI। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, SIDBI SIDBI इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर नौ की ओर रुख करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर नौ, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल, डी सिक्किम। ऑप्शन ए असम इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजेशन असम ए में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 10 और हमारा ये आखिरी प्रश्न है आज का, प्रश्न नंबर 10 की सीरीज है ये, और आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 10 करंट अफेयर्स का। किस भारतीय बैंक ने अपनी ई डीलर योजना के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है? किस भारतीय बैंक ने अपनी ई डीलर योजना के तहत IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी कैनरा बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर, पंजाब नेशनल बैंक ने IOC के साथ मिलकर ये समझौता किया है।
तो आज का यही समाप्त होता है अध्याय, अगले रामायण अगले पाठ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एवरीथिंग एवरी एंड एवरी टाइम रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज व्हाट, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ सक्सेस कीप वॉचिंग, देखते रहिए। और मैं जारपन वर्मा विदा लेता हूँ, शुक्रिया।